नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रतीक्षा यादव और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। अपने क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिलाधिकारी को खान अधिकारी के खिलाफ ट्रांसपोर्टो ने दिया ज्ञापन। इस समय खनिज अधिकारी की मनमानी देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ बालू संचालक सभी नियमों का पालन करके खदान चलाते हैं और हर अधिकारी एक महीना भी पहुंचते हैं। इसके बावजूद भी जिले के खनिज अधिकारी के द्वारा अछरोड खदान में पहुंचकर 70 खाली खड़े ट्रकों पर कार्रवाई कर दी गई, जिससे नाराज होकर आज 2 दर्जन से अधिक ट्रांसपोर्टों द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले कि पूरा मामला अछरोड खदान खंड संख्या 1 के संचालन आनंद कुमार त्रिपाठी के द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि जिला खान अधिकारी सुभाष सिंह तथा खनिज इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह की साठ गांठ से अवैध खनन उक्त घाटा संख्या में 1 किया जाता रहा तथा प्रार्थी गणों को गुमराह करके अवैध खनन को वैध बताकर MM 11 व कांटा पर्ची GST सहित प्रदान किया जाता रहा तथा दिनांक 31 मई 2021 को उक्त खदान की पार्किंग में लगी लगभग 70 गाड़ियां जो खाली खड़ी थी उन पर आवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उक्त सभी गाड़ियों पर खदान संचालक के द्वारा टोकन भी जारी किया जा चुका था। खनन निरीक्षक जितेंद्र सिंह उक्त खंड का लगातार मौके पर जाकर निरीक्षण भी करते रहे, जिससे स्पष्ट होता है कि खनन विभाग के अधिकारियों की सह से उक्त अवैध खनन का कार्य कराया जाता रहा है तथा प्रार्थी गणों को यही बताया जा रहा कि खनन वैध किया जा रहा है। उक्त खनन स्थल पर वोर्ड आदि सब कुछ लगे हैं। प्रार्थी गणों को इस बात की जानकारी कैसे हो सकती है कि उक्त खदान संचालक सही खनन करा रहा है या अवैध? यदि अवैध खनन संचालक के द्वारा कराया जा रहा है तो निरीक्षण में उसके विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल मौके पर खदान के कई कर्मचारियों से पूछा गया तो सब मौके से भाग निकले। दिनांक 31 मई 2021 को शाम लगभग 8 बजे जब खनन निरीक्षक जितेंद्र सिंह, तहसीलदार वादा आदि अन्य अधिकारियों ने मौके पर जाकर प्रार्थी गणों के चालकों के साथ लाठी डंडों और लात जूता से मारपीट करते हुए जब गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी तथा जेल में बंद करके जीवन बर्बाद करने की धमकी दी, जिसकी शिकायत को लेकर लगभग 2 दर्जन से अधिक ट्रांसपोर्टों द्वारा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच करते हुए खदान संचालक आनंद कुमार त्रिपाठी द्वारा खान अधिकारी सुभाष सिंह तथा खनन निरीक्षक जितेंद्र सिंह के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान मधुराम सिंह, दिनेश सिंह, शैलेंद्र सिंह, आलोक सिंह, संजय सिंह, कामना सिंह सहित 2 दर्जन से अधिक ट्रांसपोर्ट उपस्थित हुए। बांदा से पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह नाम। किस लिए आज आप लोग आए हुए हैं यहाँ? सर, अभी जो कल की डेट में अछरौंड खदान में कार्रवाई हुई है उस विषय में हम लोग आए। किस तरह की मांगों को लेकर के? वहाँ पर हमारी कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जो खाली थी और कुछ गाड़ियाँ थी अंडर लोड भी थी, कुछ लोड थी, वहाँ खदान चल रही थी और बाद में जाके प्रशासन वहाँ पर पूरी कार्रवाई कर दिया। वहाँ पर पूछे जाने पर कोई बताने वाला भी नहीं रहा कि हम लोग किस चीज़ की कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि वहाँ खदान संचालित थी, वहाँ MM 11 भी मिल रहा था, हम लोगों की गाड़ियाँ लगभग शुरू से ही चल रही थी वहाँ। अभी तक 17 तारीख को अभी खान निरीक्षक गए थे, वहाँ का निरीक्षण किए, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोगों को खूब बिलीव था कि भाई खनिज अधिकारी, खनिज निदेशक सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर, खनिज जो निरीक्षक हैं वो भी जा रहे हैं वहाँ पर, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब नंबर 1 की खदान है। वहाँ हम लोग हमेशा ट्रांसपोर्टिंग करते रहे, आज अचानक जाकर किसी का प्रेशर रहा, ऊपर से प्रेशर रहा, राजस्व का नाम ले लेकर कि हम लोगों के ऊपर एक दबाव है, आर्थिक दबाव है कि कोरोना का जो राजस्व इकट्ठा नहीं हो रहा है, हम लोगों को ये अवैध काम करना पड़ रहा है कि वैध करना, जानकारी नहीं, हमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई सूचना नहीं दी गई। पूछे जाने पर हमारे जितने भी लोग रहे, जो वहाँ पर कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, उन लोगों को गाली गलौज किया गया और उन्हें सब लोगों को इकट्ठा पूरा फोर्स लगा करके पुलिस का और उन्हें प्रतिबंधित कर उन्हें बंधक बना के वहाँ रखे हुए। किस तरह की मांग चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारे खदान जो खदान चल रही है अछरौंड, उनका निरीक्षण हो, क्या वह अवैध थी या वैध थी, हम लोगों को नहीं जानकारी, ये देखने वाले खनन अधिकारी और खान निरीक्षक हैं, वो लोग देखें कि खाली हम लोगों की जबकि गाड़ियाँ भी खाली हैं। हम चाहते हैं हमारी गाड़ियाँ सुरक्षित और हमारी गाड़ी सुरक्षित बिना किसी दोष के वापस आए।